हरिद्वार दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को हरिद्वार की जनता को 1168 करोड़ की कई विकास योजनाओं की सौगात दी। ऋषिकुल ग्राउंड के नारी शक्ति महोत्सव में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कुल 158 योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इसमें सीवर लाइन, पेयजल, पर्यटन क्षेत्रों का विकास और पार्किंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने देवपुरा चौक से ऋषिकुल ग्राउंड तक मेगा रोड शो भी निकाला, जिसमें हजारों लोगों और स्कूली बच्चों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। ऋषिकुल ग्राउंड में आयोजित नारी शक्ति महोत्सव में जिले भर से हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले महिला स्वयं सहायता समूह के स्टॉल्स भी लगाए गए। मुख्यमंत्री ने सभी स्टॉल्स पर जमकर महिला स्वयं सेविकों से बातचीत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मंच से कई महिलाओं को सम्मानित भी किया। 1168 करोड़ रुपए की लागत से 158 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जिससे राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र की संपूर्ण जो सीवरेज व्यवस्था के सुधारीकरण के लिए जर्मन बैंक की मदद से 583 करोड़ की स्वीकृति परियोजना का ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था, पर्यटक स्थलों के विकास, पार्किंग व्यवस्था सहित अन्य कार्यों का आज यहां पर शिलान्यास किया गया है। इन योजनाओं से जहां हरिपुर कला, भूपतवाला, भीमगौड़ा, हरकी पैड़ी, मायापुर, कनखल, ऋषिकुल, ज्वालापुर, आवास विकास कॉलोनी, गोविंदपुरी, जगजीतपुर सहित अन्य क्षेत्रों को सीवरेज सहित पेयजल, पार्किंग आदि की जो समस्या है, उस समस्या से इन योजनाओं के पूरा होने पर निजात मिलेगी, लोगों को सुविधा होगी। भाइयों बहनों, आज जिन योजनाओं का भी यहाँ पर आप सबके समक्ष लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, वो हमारी मातृशक्ति का ही प्रतिफल है, उनका ही आशीर्वाद है। आप सभी के आशीर्वाद के कारण से आज प्रदेश के अंदर हम पूरी तन्मयता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मनोयोग के साथ काम कर पा रहे हैं। साथ ही अब उत्तराखंड की खबरें आपको मिलेंगी व्हाट्सएप पर भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अभी ज्वाइन करें और अपने उत्तराखंड वाले ग्रुप पर पाएं उत्तराखंड की हर खबर।